नमस्कार, मैं अशोक कुमारी और आप देख रहे हैं समृद्धि मिश्रा। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बरुणा पंचायत में और बरुणा पंचायत के मुखिया आशा देवी यहां पे आप देख रहे हैं। तमाम जितने भी इस पंचायत के गरीब दुर्बल लोग हैं, सारे लोगों को कंबल वितरण कर रही है और काफी सुंदर तरीके से यहां पे कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में यदि किसी को एक छोटा सा भी सहयोग हो जाता है तो बहुत बड़ी बात कही जाती है। ये गरीब कंबल बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए इसके लिए भी, जो यहाँ के आम वाम मजदूरों के लिए, यहाँ के जितने भी गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो कि कंबल इस ठंड में एक समझिए कि बहुत ही राहत है इन लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं इधर ग्राम रक्षा दल के भी लोग यहाँ पे कार्यरत हैं और काफी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं सारे लोगों को, तो निश्चित तौर से एक अच्छा काम हो रहा है। यहाँ बहुत सारे महिलाएं हैं, आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। कहाँ गाँव हुआ आपका? बरुणा। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए लोगों से बात कराते हैं। ग्रामीण है, इनसे बात करते हैं। हटाओ ना तुम। आपको कंबल मिला? हाँ। कैसा लग रहा है मुखिया जी द्वारा इस तरह का काम किए जा रहे हैं? ठीक है। अच्छा है? अच्छा है। चले, बहुत सुंदर देख रहे हैं। आपको भी कंबल मिला बाबा? अच्छा, आपको मिलेगा, आपको मिल गया। क्या नाम है आपका? काशीराम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। ठंड में ऐसा काम होते रहना चाहिए ना? होते रहना चाहिए। चलिए, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से ग्राम रक्षा दल के लोगों के सहयोग से काफी ही सुंदर तरीके से बरुणा पंचायत की मुखिया आशा देवी और उनके पति कमेश्वर सिंह जी इतने सुंदर नए कार्य कर रहे हैं। सारे लोगों के आशीर्वाद बटोरने का काम कर रहे हैं, सारी माताएं बहनें इनको आशीर्वाद दे रही है कि इस तरह के ही मुखिया आए और सुंदर तरीके से हम लोगों पर ध्यान दे। इनको भी कंबल मिला है। क्या नाम हुआ माता जी आपका? कंबल मिल गया आपको मुखिया जी के द्वारा मिला, कैसा लगा आपको? ठीक, चलिए, यहाँ की मुखिया आशा देवी भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि इतने सुंदर समय पे इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, काफ़ी ही तत्परता से, लगनशीलता से इन लोगों ने कंबल वितरण करने का कार्य किया है और काफ़ी दूर दराज से बहुत सारी महिलाएं इनके पंचायत से आई है, बहुत सारे बुजुर्ग आए हुए हैं। आइए जानते हैं मुखिया आशा देवी से इनका क्या कहना है। सबसे पहले समृद्धि निशान में आपका हार्दिक स्वागत है, तमाम दर्शक आपको टीवी से मिलेंगे। मैडम, क्या बताना चाहेंगे, कैसे आपके मन में ख्याल आया मुझे गरीबों के लिए कंबल वितरण करना चाहिए? तो पहले हम समृद्धि न्यूज के हार्दिक शुभकामना करते चलते हूँ। मैं अपने ग्रामवासियों को भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि इतने कड़के के ठंड में हमारे भाई और बहनों और माताएं को बहुत ठंड लग रही है, इसी के कारण हम लोग सोचे कि कुछ गरीब हैं जो बेसहाय हैं और विकलांग हैं, उसको मदद किया जाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख रहे हैं असहाय गरीब मजबूर वैसे लोग जिनके साथ परेशानियां हैं, उन लोगों को एक छोटी सी सहयोग की जाए, बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पे मुखिया पति कमेश्वर सिंह जी भी मौजूद हुए। मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, एक युवा नेता है और काफी ही सुंदर तरीके से बराबर गरीब असहाय विकलांग लोगों की मदद किया करते हैं, जो लोग की कोई सहायता नहीं मिल पाती है सरकार के द्वारा, उन सारे लोगों को अपने पंचायत में सहायता करने का काम करते हैं। काफी सुंदर विचारधारा के इंसान है, ये बात करते हैं, जानते हैं कमेश्वर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे। पहले तो हम समृद्धि न्यूज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप मुझे कार्यक्रम में, जो आज हम लोग 14 जनवरी और 2020 का कार्यक्रम रखे, हम लोग कंबल वितरण का आयोजन किए हैं पूरे बरुणा पंचायत में और हमारे गांव बरुणा और सितुहारी मुड़नपुर, इसमें तीनों गांव राजस्व गांव है, जिसमें सभी गांव को असहाय व्यक्तियों और विकलांग सभी व्यक्तियों ने भाग लिया है। मैं सभी व्यक्तियों को 1000 पीस कंबल वितरण करने का आयोजन किया है और पूरे हर एक वर्ग के लोग को मैं जाजा के घर से 4 दिन से मैं जग जग कर हम लोग बताए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम लोग पूरा अथी किए हैं, प्रचार किए हैं कि भाई सब व्यक्ति आए और इस ठंड का मौसम में जो बहुत ठंड पड़ रहा है उसमें हम लोग कंबल वितरण का आयोजन किए हैं और आज आयोजन में बहुत भीड़ चढ़ के हिस्सा लिया है सभी माताएं बहनों को। कैसे आप, कैसे आपके मन में ख्याल आया मुझे कंबल वितरण करना? हमारे मन में ख्याल आया कि बहुत ठंड का मौसम है
इसलिए इतना ठंड गिर रहा है तो हम लोग देखा कि गरीब लोगों को मदद का सहाय होना चाहिए, तो हम लोग अपने मदद करने का काम किए और आगे भी हम लोग दुख सुख के साथ लगे रहते हैं, मदद करने का काम करते हैं इस पंचायत में। और जब से हम लोग इस पंचायत में आए हैं पूरे पंचायत को ग्रामवासियों को डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। तीनों गांव से मेरा लोग आए हुए हैं और गरीब जो प्रवृत्ति का लोग है उसी लोग का हम लोग पूरा काम करने का काम करते हैं। बहुत सुंदर, आप देख रहे हैं कमेश्वर सिंह जी युवा नेता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुखिया पति है और काफी सुंदर विचारधारा के इंसान है। बताऊं कि एक अच्छे तरीके से समाज का सेवा करना इनका कर्तव्य है और हमेशा समाज के लिए अपने आप को निछावर करते हैं। देखिए ग्राम रक्षा दल के भी जवान यहाँ पे मौजूद है और साथ एकत्रित होकर इन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य करने की छानी है कि जितने भी असहाय लोग हैं, जितने भी गरीब हैं, जितने भी विकलांग हैं, उन लोगों को कोई देखता नहीं है, वो बेचारे किस तरह इस ठंड में अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये वही बता सकते हैं, उनका दर्द वही बयान कर सकते हैं। मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन कम से कम इस ठंड में एक कंबल वितरण करने का कार्य जरूर कर सकता हूँ। वैसा विश्वास में अपने पंचायत में जब मैं आपको बता दूं कि 3 गांव से यहां लोग आए हुए हैं और 1020 कंबल वितरण का इन्होंने आयोजन रखा है। आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी खरवास खत्म हो रहा है और इतने शुभ काम का, इतने अच्छे काम का शुभारंभ इन्होंने किया, तहे दिल से धन्यवाद। और भी ग्राम रक्षा दल के यहां सिपाही है, आइए इनसे जानते हैं ये लोग क्या बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा जय कृष्ण तिवारी नाम है। आप ग्राम रक्षा दल का जवान है? अच्छा, हम लोग मुखिया जी इतने अच्छे आदेशानुसार जी मुखिया जी के आदेशानुसार इतने ठंड में हम लोग गरीब को और 3 गांव मिलाकर हम लोग कमर वितरण कर रहे हैं। हम लोग की आशा है कि फिर अगला भी चुनाव में हमारे आशा देवी मुखिया। बहुत ही सुंदर तरीके से आप मुखिया जी का सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा है, बहुत हमको शांति मिला, हम जनता से भी शांति मिल रहा है। बहुत सुंदर, आप देख रहे हैं ये वो ग्राम रक्षा दल के सिपाही हैं जिनको सरकार ने दरकिनार कर दिया है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, फिर भी ये उस सरकार का वर्दी पहन के और काफी ही सुंदर तरीके से अपने इस पंचायत का रक्षा करने की ठानी है कि जब ग्राम रक्षा दल के हम सिपाही हैं तो सरकार भले ही अनदेखा करे लेकिन हम जन प्रतिनिधियों के साथ एकजुट होके और समाज का सेवा करेंगे, इन गरीब मजदूरों का सेवा करेंगे। यहाँ देखिए एक महिला भी आई हुई है, यही कड़ाके की ठंड में ये लोग वर्दी पहन के और समाज का रक्षा कर रहा है, इस गाँव का रक्षा कर रहा है, सरकार को इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। एक महिला है, आइए ये भी ग्राम रक्षा दल से है। क्या नाम है आपका? अभी आई है यहाँ पे ग्राम रक्षा दल में अभी हैं? सितुआरी गांव का है। कैसा लग रहा है आपको मुखिया जी के इस तरह के काम से, आप प्रभावित हैं? बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ आई है और ग्राम रक्षा दल से एक लेडीज और भी बहुत सारे जेंट्स लोग यहाँ आए हुए हैं जो कि ग्राम रक्षा दल के सिपाही बताते हैं अपने आप को। सरकार ने इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया है, पहले इन लोगों को कोई व्यवस्था भी मिलती थी, शायद अभी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बेचारे असहाय है, सरकार को इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। कड़ाके की ठंड में सरकार की ड्यूटी जरूर कर रहे हैं, ग्राम रक्षा दल का कर्तव्य निभा रहे हैं लेकिन इन बेचारों पे कोई ध्यान नहीं देता है, सरकार को इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारी माताएं बहने यहाँ आई है जो कि मुखिया और मुखिया पति को काफी आशीर्वाद दे रही है और तहे दिल से धन्यवाद दे रही है कि आप हजारों साल इसी तरह जिए, बार बार आप हमारे पंचायत के मुखिया बने ताकि इसी तरह कंबल वितरण जैसे बहुत सारे आयोजन करते रहे। आइए और भी है, क्या नाम है आपका? रामजी सिंह। आपको मिला कंबल? अभी तो कोरोना चल रहा है सर, मिलेगा। ये कंबल आप लिए हैं? हाँ लिए, हम बटवा रहे हैं। अच्छा बटवा रहे हैं, आप किस गांव से हैं? मड़नपुर से। कैसा लग रहा है मुखिया जी के इस तरह? अच्छा लग रहा है, ऐसा मुखिया तो हम, ऐसा नेता तो हमें अपना पंचायत में का पूरा जिला में नहीं देखते हैं, जब जब मन करते हैं तब तक पटना से आ जाते हैं और पटना से आ करके विदरोन करने लगते हैं कोई भी। और भी बहुत सारे समाज सेवी हैं जो कि मुखिया जी के साथ इन्वॉल्व होके और कंबल वितरण करने का इस तरह के सराहनीय कार्य में सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आप कहाँ के रहने वाले? मुखिया जी कौन बरुणा उप मुखिया है, इस तरह के मुखिया जी द्वारा, आपके मुखिया के द्वारा इस तरह कार्य किए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि इस ठंड में मुखिया जी या कोई भी काम में मुखिया जी का सहयोग हमेशा अति उत्तम रहा है। हर त्यौहार में सहयोग देते हैं। इसके पहले जो भी मुखिया हुए उनके अपेक्षा इनका कार्यशैली जो है और वार्ड से लेकर पंचायत स्तर पर जितने भी गांव है, ग्रामीण जनता है, उनका हर तरह से सहयोग करते हैं, चाहे जिस मैटर में हो।
माने हमेशा इनका सहयोग बना रहा था। काफी ही सुंदर तरीके से ये उप को किया है और काफी ही सुंदर तरीके से मुखिया का सहयोग कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, लोगों से जानते हैं। राजीव जी, कैसा लग रहा है मुखिया जी के इस तरह के सराहनीय कार्य पे, क्या बताना चाहेंगे? बहुत बहुत सुंदर काम है। अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए ठंड में कर रहे हैं कि पहले भी क्या करते हैं? ऐसा बात नहीं है, हमेशा किया करते हैं। हमेशा बहुत सुंदर आप देख रहे हैं। यहाँ के युवा साथी हैं, इन लोगों का कहना है कि नहीं दिखावा के लिए नहीं, बल्कि बराबर जब गरीबों की जरूरत होती है ये मसीहा बन के कूद पड़ते हैं और सबकी सहायता करने के लिए यहाँ की मुखिया आशा देवी हमेशा तत्पर रहती है और इनके पति हमेशा कदम से कदम मिलाकर कमेश्वर सिंह जी अपने मुखिया का साथ। कैसा लग रहा है उपाध्याय जी, मुखिया जी के इस तरह के कार्य को देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, गरीबों का साथ देना ही तो सबसे अच्छा बात है। मुखिया जी तो ऐसे भगवान के दरबार में गरीबों लोग को कमरा दान कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या होता है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर उपाध्याय जी हैं और काफी ही सुंदर तरीके से अपने भाव को उन्होंने रखा और सही में भगवान के दरबार में मैं बता दूं कि भोले भगवान भोले शंकर का यहाँ पे मंदिर है और काल है, सुंदर तरीके से हम मंदिर में इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। भगवान भी इनको आशीर्वाद देंगे और तमाम जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग असहाय विकलांग सारे लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसी तरह मुखिया जी आगे बढ़ते रहे और हम लोगों के बारे में सोचते रहे। और साथ ही लोगों से बात करेंगे, सामाजिक युवा कार्यकर्ता है जो कि बढ़ चढ़ के मुखिया जी का सहयोग कर रहे हैं। चंदन उपाध्याय जी, क्या बताना चाहेंगे चंदन जी, मुखिया जी का इस तरह का कार्य करना चाहिए? बहुत बढ़िया मुखिया जी कार्य कर रहे हैं, गरीबों के मसीहा है मुखिया जी। बहुत सुंदर आप देख रहे हैं, गरीबों के मसीहा है मुखिया जी, ऐसा कहना है उपाध्याय जी का। काफी सुंदर तरीके से सारे युवा एकत्रित होकर नेतृत्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मुखिया आशा देवी के साथ साथ उनके पति कामेश्वर सिंह भी इन्वॉल्व है और तमाम जितने भी, आप थोड़ा सा कैमरा उधर घुमाइए, आप देख रहे हैं तमाम असहाय विकलांग और भी बहुत सारे महिलाएं आई हुई है, बहुत तरह से तीनों गाँव से तीन गाँव है और तीनों गाँव से महिलाएं आई हुई है और बहुत सारे आए हुए हैं। काफी युवा साथी समाज से भी साथी इनके साथ एकत्रित होके एकजुट होके और इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि यदि इसी तरह का कार्य यदि आप हमेशा करते रहे तो इस पंचायत के सारे युवा आपके साथ हैं, लेकिन अच्छे काम होने चाहिए, सराहनीय कार्य होने चाहिए। सराहनीय कार्य में हम कभी भी आपके साथ रहेंगे, ऐसा इन युवाओं का कहना है। क्योंकि सराहनीय कार्य रहेंगे तो निश्चित तौर से सारे गरीबों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए कुछ वार्ड सदस्य भी यहाँ पे मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ वार्ड सदस्य आइए जानते हैं ये क्या बताना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जाड़ा में गरीब आदमी के असहाय मुखिया जी के कड़ाके की ठंड में कम्बल वितरण का जो कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। कितने बुजुर्गों के पास रहने के लिए कम्बल नहीं है, आज इस कड़ाके की ठंड में उन्होंने शिव मंदिर स्वास्थ्य केंद्र के पास कम्बल वितरण का जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। माननीय मुखिया श्रीमती आशा देवी बरुना पंचायत की तरफ से हो रहा, बहुत बहुत बधाई इनका लंबा हो और एक सदियों यही यहाँ पंचायत की मुखिया रहे श्रीमती आशा देवी, यही हम नौजवानों का। बहुत सुंदर, काफी सुंदर तरीके से यहाँ के युवा अपने दिल से अंतरात्मा से आवाज निकल रही है कि आप हमेशा हमारे पंचायत के मुखिया रहे। क्योंकि आप इस तरह के सराहनीय कार्य कर रही है, तमाम गरीब मजदूर विकलांग और जितने बाबा लोग आए हुए हैं सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इसी तरह हजारों साल जिए और हमारे पंचायत के मुखिया बने रहे। आपका जो ये स्वभाव लगा काफी ही अच्छा लगा, आपका ये जो ठंड में जो असहाय लोगों को जो आप मदद कर रही है ये कम्बल वितरण कार्य कर रही है काफी सुंदर तरीके से और आपके पति कमेश्वर सिंह भी कदम से कदम मिला के तमाम युवाओं के साथ मिलजुल के, ये मैं बता दूं कि ये मणनपुर गांव है, बरुणा पंचायत का मणनपुर गांव में और शिव मंदिर के पास भगवान शंकर के दरबार में इतने सुंदर और सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। तमाम सामाजिक और काफी प्रबुद्ध लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको तहे दिल से अपना साथ भी दे रहे हैं कि नहीं मुखिया जी इस तरह का यदि आप कार्य करेंगे तो हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन विकास मंझारो देवी। मंझारो देवी। मंगली देवी।